दोस्तों मुस्लिम छात्रों को उनकी कक्षा में प्रवेश से वंचित करने के बाद इस तरह की कई घटनाएं पहले राज्य में और अब पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों में सामने आई है। दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल, एक ऐसा क्षेत्र जो फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों से प्रभावित हुआ था, हिजाब पहने हुए छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश से वंचित कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में छात्रा को ये समझाते हुए देखा जा सकता है कि कक्षा में क्या हुआ, ये बताते हुए कि कैसे उसे कक्षा से बाहर निकाला गया और हिजाब हटाने के लिए कहा गया। द वायर से बात करते हुए फातिमा के पिता मोहम्मद अयूब ने कहा, 21 फरवरी को मेरी 10 साल की बेटी अपनी क्लास अटेंड करने गई थी। उसकी कक्षा में प्रवेश करने पर उसके दोस्त जो मुस्लिम भी हैं ने उसे हिजाब हटाने के लिए कहा क्योंकि शिक्षक ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। फातिमा को कथित तौर पर शिक्षिका ने उसके सहपाठियों के सामने ताना भी मारा था। अयूब ने कहा कि जब वह बाद में जवाब मांगने के लिए स्कूल पहुँचा तो उसे बताया गया कि छात्रों से हिजाब हटाने के लिए कहना वास्तव में दिल्ली सरकार की एक कथित नीति के अनुरूप था। अयूब ने कहा, प्रिंसिपल ने पहले मुझे बताया कि दिल्ली सरकार चाहती है कि सभी छात्र एक समान कपड़े पहने और वह सिर्फ आदेशों का पालन कर रही थी। जब मैंने उसे कैमरे पर ये कहने या मुझे कानूनी नोटिस दिखाने के लिए कहा तो कैमरे में मौजूद 4 शिक्षकों ने मेरा फोन छीन लिया और प्रिंसिपल को देखते हुए मुझे पीटा। वह सभी महिलाएं थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ने बाद में अपने बयान पर पलटवार किया और कहा कि हालांकि कोई औपचारिक आदेश नहीं है, वह कुछ छात्रों को स्कूल की अन्य लड़कियों से अलग दिखाने की अनुमति नहीं दे सकती है। द वायर द्वारा संपर्क किए जाने पर प्रिंसिपल सुशीला देवी ने इस तरह की कोई घटना होने से इनकार किया महत्वपूर्ण रूप से। हालांकि उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि युवा मुस्लिम छात्र इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाने से पहले कक्षाओं में प्रवेश करते समय अपना हिजाब उतार रहे थे। देवी ने कहा, ऐसा लंबे समय से होता आ रहा है, इसमें कोई खास बात नहीं है। क्लास अटेंड करने के दौरान लड़की अपने हिजाब को अपने बैग में पैक करती हैं। हालांकि मुस्तफाबाद की एक पूर्व छात्रा जो इलाके में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एक स्कूल में पढ़ती है ने नाम न छिपाने की शर्त पर द वायर को बताया कि उसे कभी भी अपना हिजाब हटाने के लिए नहीं कहा गया था। हमारे बैच में केवल 2 मुस्लिम छात्र थे और हमें कभी भी अपना हिजाब हटाने के लिए नहीं कहा गया था, उसने कहा। अयूब ने आगे कहा, वह यहाँ कर्नाटक जैसा माहौल बना रहे हैं। मैंने शिक्षिका से यह तक कह दिया कि ये कर्नाटक नहीं है, लेकिन उसने नहीं सुनी। अभी के लिए अयूब ने कहा कि प्रिंसिपल ने उसे ये स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है कि उसकी बेटी कक्षा के अंदर हिजाब नहीं पहनेगी और उसे अगली बार कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुस्तफाबाद के विधायक हाजी यूनिस से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये खेदजनक है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जबकि शिक्षक की गलती है। हमने एक अलग कमरा आवंटित किया है जहां छात्र अपने हिजाब से बाहर निकल सकते हैं और कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। अगर छात्रा को पढ़ाई करनी है तो उसे अपना हिजाब उतारना होगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।